गोरखपुर जोन की 63वीं अंतर जनपदीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा पुलिस लाइन सभागार में घोषणा पत्र पढ़कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। यह 20 नवंबर से 4 दिनों तक चलेगी, जो 23 नवंबर 2019 को ADG जोन दावा शेरपा द्वारा इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। प्रतियोगिता में SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, क्षेत्राधिकारी कैरन सुमित शुक्ला एवं मंडल के तमाम थाना अध्यक्षों के साथ आए हुए अंतर जनपदीय अनुसंधान वैज्ञानिक मौजूद रहे। बाकी गोपनीयता बनाए रखनी आए हैं, ठीक है, नॉमिनेट हो गई है, लेकिन आप 4 दिन आप ढंग से इसमें करिए और पुरस्कार लीजिए, अपना सर्टिफिकेट लीजिए। जैसे जब जोन पे है तो आपकी तरफ से गोरखपुर के पास जाता लड़ा जाता है, तो उसी नहीं है, मैं अभी केवल गोरखपुर की नहीं कह रहा, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्टों में इस चेतना की कमी है, सब सोचते हैं कि ये फालतू का काम है, क्या है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, एक पुलिस की, एक उत्तर प्रदेश पुलिस की एक खास प्रतियोगिता होती है जो साल में एक बार होती है। जोन में जो हमारे 11 जिले हैं उसमें 63वीं हर साल होती है, तो इस बार ये 63वीं अंतर जोन वैज्ञानिक अनुसंधान और पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता है, जिसमें हम IOs को पुरस्कृत करते हैं और हर जिले से एक एक टीम आती है, बेस्ट टीम, और उसमें से जोन लेवल की जो है IO और जो फोटोग्राफी और वैज्ञानिक अनुसंधान है, इन्वेस्टिगेशन की जो टेक्निक्स हैं, उसका वो एक प्रतियोगिता होती है जिसमें कई सारे 6-7 पेपर होते हैं, जिसमें कुछ रिटर्न भी देना होता है, फोटोग्राफी भी करनी होती है, फिंगरप्रिंट्स भी उठाने होते हैं। तो वो एक प्रतियोगिता का आज अगले 3-4 दिन के आयोजन किया जाएगा और उसका समापन 23 तारीख को किया जाएगा। ADG जोन महोदय द्वारा फिर उसका पुरस्कार वितरण किया।